आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर को हाइड्रो मोटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिक मोटर जहाँ पे बहुत हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ आसानी से काम कर सकता है, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, डर्ट का कॉन्टेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पर इसके हाइड्रो मोटर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा क्लोज सिस्टम रहता है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ पे पानी गिर रहा है या वैसा इन्वायरमेंट है, हार्श इन्वायरमेंट में, ये काम नहीं करेगा, इसका वाइंडिंग बहुत ही सेंसिटिव रहता है। हाइड्रोलिक मोटर में सब खास बात ये भी है कि अगर ओवरलोड होगा तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है बिना किसी पार्ट के डैमेज किए हुए। जबकि अगर इलेक्ट्रिक मोटर में ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है तो उसका मोटर में फेल हो जाएगा हमारा। और इसके साइज़ की बात करते हैं तो अगर सेम पावर एंड टॉर्क की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर का साइज़ बड़ा रहेगा और हाइड्रो मोटर का कम रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट तो इसका साइज बहुत ह्यूज हो जाएगा, जो कि बहुत डिसएडवांटेज है। हाइड्रोलिक मोटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मूवमेंट की एक्यूरेसी बहुत हायर रहती है, जबकि इलेक्ट्रिकल मोटर वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत हाई आरपीएम की ज़रूरत रहती है। वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं, बट मैंने ये बहुत 4-5 सिलेक्टेड पॉइंट यहाँ पे नोट किए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।